में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है टीवी सीरियल अनुपमा। अनुपमा के जरिए घर घर में खास पहचान बना चुकी हैं एक्ट्रेस रूपाली गांगुली। यूं तो रूपाली गांगुली ने इससे पहले कई टीवी शोज में अहम किरदार निभाए हैं, लेकिन अनुपमा के जरिए उन्होंने हर किसी के दिल में एक अलग ही पहचान बना ली है। इस टीवी सीरियल के जरिए रूपाली काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं। बीते कुछ दिनों पहले खबर आई कि रूपाली गांगुली टीवी इंडस्ट्री में हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन चुकी हैं। इस टीवी सीरियल के जरिए एक दिन में रूपाली गांगुली लाखों में कमाई किया करती थी, वहीं अब रूपाली गांगुली की फीस बढ़ चुकी है। जहां एक तरफ रूपाली गांगुली इस टीवी शो के जरिए एक दिन में 1,00,000 रुपए से अधिक कमा लेती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुलासा हुआ कि रूपाली गांगुली एक एपिसोड के लिए तकरीबन 1,50,000 रुपए चार्ज किया करती थी, लेकिन इस शो की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखते हुए रूपाली की फीस भी बढ़ा दी गई है। अब दावा किया जा रहा है कि रूपाली गांगुली पर एपिसोड तकरीबन 3,00,000 रुपए कमाने लगी हैं। एक दिन में रूपाली गांगुली अब 3,00,000 रुपए कमा लेती हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो इस शो की पॉपुलैरिटी अब और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। रिसेंटली फैंस के लिए एक और गुड न्यूज आ चुकी है। बता दें आपको, अब एक बार फिर से अनुपमा टीवी सीरियल टॉप पर आ चुका है। जी हाँ, अनुपमा के जरिए फैंस काफी ज्यादा एंटरटेन हो रहे हैं और साल 2022 के चौथे हफ्ते की टीआरपी लिस्ट सामने आ चुकी है। इस हफ्ते भी अनुपमा टॉप पर बना हुआ है। जी हाँ, रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना की सुपरहिट शो अनुपमा ने हर बार की तरह इस बार भी टीआरपी लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया है। मालविका के आने के बाद टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। टॉप 1 पर बना हुआ है टीवी सीरियल अनुपमा, वहीं टॉप 2 पर है ये रिश्ता क्या कहलाता है, टॉप 3 पर है गुम है किसी के प्यार में, और टॉप 4 पर है टीवी सीरियल इमली, और टॉप 5 पर है ये है चाहते। इस तरह से अनुपमा टीवी सीरियल अब भी टॉप 1 पर कायम है। इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।